हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्तमाल कथा का एक नए भक्त का कथा का श्रवण करेंगे। और वो नए भक्त कौन है? सुदामा जी। सुदामा जी के बारे में आप सब सुने हुए होंगे। सुदामा जी कितने महान भक्त थे, भगवान के मैत्री भाव में पूर्ण थे, पगे हुए थे, भगवान की भक्ति में पगे हुए थे वो। आज उन्हीं के चरित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद में भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब भी कथा होता है तो सबसे पहले हमें गुरु और भगवान के चरणों में नमस्कार करना पड़ता है, उन्हें प्रणाम करके फिर उसके बाद ही हम लोगों को कथा बोलना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो श्रोता और वक्ता दोनों के लिए है ये। तो क्या होता है, इससे मंगल आचरण, हमारा आचरण मंगल बनेगा गुरु की कृपा से। तो सुदामा जी के चरित्र के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे कि जो विप्रवर सुदामा थे, जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनि की यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं पे गुरु के आश्रम में थे और वहाँ श्री कृष्ण चंद्र से उनकी मैत्री हो गई। सुदामा और कृष्ण की मित्रता वहीं पे शुरू हुई। तो दीन बंधु छोड़कर दीनों से भला कौन मित्रता करता है, एक कृष्ण ही तो है। चाहे कोई भी जिस भाव से भगवान की भक्ति करे, उसमें कृष्ण सब समय आगे ही रहते हैं। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि दीन बंधु ही तो एक मित्रता कर सकते हैं उनसे। तो जब मित्रता पूरी, जब श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु के गृह में रह करके उतने दिनों के सारे शिक्षा, वेद, वेदांग, शास्त्र, सभी कलाओं को पूर्ण करके 64 दिनों में 64 कला भगवान ने सीख लिया। सीख के वो वापस अपने धाम में द्वारका में चले गए। द्वारका में वो चले गए। फिर उसके बाद सुदामा जी भी अपने गृहस्थ आश्रम में, जब वो वापस लौटे तो गृहस्थ आश्रम में वो भी प्रवेश किए, जहाँ उनकी पत्नी थी सुशीला देवी। सुशीला देवी एक धर्मपरायण स्त्री थी और एक भक्त थी, भगवान की भक्त थी, और उन धर्म के बारे में अपने पति का सहयोग करती थी। तो जन्म से ही सरल संतोषी थे सुदामा जी, और किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाता था उसी को वो ग्रहण करते थे, किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। अब भगवान को जो भी मिलता था उसे अर्पण करके ही वो भोग लगाकर उसके बाद ही वो प्रसाद पाते थे। तो पत्नी का और उनका जीवन निर्वाह इसी प्रकार चलता रहा। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें कभी मिलता था और कभी किसी दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था, जिसके कारण कई कई दिन उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। जिसने श्याम सुंदर को स्वप्न में एक रूप को देख लिया हो, उसकी भला क्या स्थिति होगी। तो सुदामा जी का जो स्थिति था, वो देख चुके थे भगवान को, और भगवान को वहाँ पर अपने मित्रत्व भाव में देख चुके थे। सांदीपनि मुनि के आश्रम में वो देख लिए थे। फिर क्या हुआ कि उनको हर दिन हर घड़ी उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण नाम का ही जप करते थे। और इसी ख्याल में वो डूबे रहते थे। कभी उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दरिद्र हूँ या मुझे नहीं मिल रहा है। कभी उनको कोई क्लेश भी नहीं आया, मन में एक प्रकार का कोई चिंता ही नहीं हुआ इस बारे में कि मुझे धन की ज़रूरत है या मैं इतने दिन से उपवास कर रहा हूँ, मुझे अन्न की ज़रूरत है, उन्होंने कभी नहीं बोला। तो श्याम सुंदर उनके सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु के आश्रम में पढ़ाई की और उनका गुणगान किया। पत्नी भी वो अपने सखा के रूप में गुण के उदारता आदि का बखान करते नहीं थकते थे। अपनी पत्नी सुशीला देवी को भी श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में श्रवण कराते रहते थे।
सुदामा की जो पत्नी थी सुशील थी, साध्वी थी एवं पति परायण थी और उसे अपने कोई कष्ट की चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले छीण काय धर्मात्मा पति देव का जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार दुख होता था और उसे वो सहन नहीं होता था। तो एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, हे प्रभु, हे महाभाग, हे ब्राह्मण देव, अपने पति को नाम लेके तो उस वक्त नहीं पुकारते हैं, अभी तो लोग नाम लेके पुकारते हैं। तो वो अपने पति को बोल रही थी, हे महाभाग, हे ब्राह्मण देव, आप जाकर द्वारका चले जाइए, द्वारका में जा कर के कृष्ण के पास थोड़े धन की याचना करिए, क्योंकि ये इतने दिनों से उपवास आप कर रहे हैं, उस वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कृपा करके आप जाइए। तो सुदामा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे धन के लिए अपने मित्र के पास जाना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो तो द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, मैं उनके पास धन के लिए कैसे जा सकता हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो उनकी पत्नी बहुत प्रकार से समझाती हैं, बोलती हैं वो तो शरणागत वत्सल है, वो तो यादवेंद्र हैं, श्री कृष्ण चंद्र हैं, और वो अपने भक्तों के तो सबसे पहले देखभाल करते हैं, फिर मेरी क्यों नहीं, आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, कृपा करके मेरे लिए ही जाइए। तो सुदामा सोचते हैं कि ये पगली, तुम धन के लिए मुझे भेज रही हो, क्या तुम पगली हो गई हो, तुम धन के लिए मुझे कैसे भेज सकती हो, वो मेरा मित्र है, मैं कैसे याचना करूँगा। सुदामा जी को अपार संकोच होता है कि कैसे मैं बोलूँगा उनसे और किस प्रकार से मैं उनसे याचना करूँगा। तो फिर क्या होता है कि अब वो सोचते हैं कि ये जो मेरी पत्नी सुशीला है वो धन के कारण कष्ट पाते पाते गृहस्थ जीवन में इतने कष्ट पा रही है और दुर्बल हो गई है, शरीर से दुर्बल होती जा रही है, बिना खाए पिए उपवास करते करते, इसलिए मुझे एक बार जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मेरे पास है क्या, मैं कैसे जाऊंगा उनके पास, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, भेंट कुछ दूंगा ना। तो बोलती हैं ठीक है, मैं पड़ोस से कुछ मांग कर लाती हूँ। तो वो चिवड़ा लेकर आती है, दो मुट्ठी चिवड़ा लेकर आती हैं और फटे चीथड़े कपड़े को कांख में दबा करके लेकर आती हैं कि इसको लेकर के जाइए। और सुदामा जी इसे लेकर के चले तो जाते हैं, और लेकिन जाते जाते सोचते भी रहते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं है कि इस चीज़ को दे करके मैं चिवड़ा दे करके कुछ पाने की इच्छा का लालच नहीं है कि मेरा गरीबी दूर करेंगे, द्वारिकाधीश से मुझे धन दे देंगे, अपार धन देंगे, हम खुश रहेंगे या फिर अच्छे से हमारा जीवन कटेगा, उन्होंने इसकी लालसा नहीं की। वो बस मन में कृष्ण 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 रटते जा रहे हैं। अब काफ़ी दिन बीत गया उनको द्वारिका जाते जाते, सुदामापुरी से द्वारिका जाते जाते उनको काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी दिन लग गए उनको। तो वहाँ पर जा करके उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी की आग्रह पे तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, परंतु मुझसे वो मेरे मित्र मिलेंगे और किस हाल में हो, मेरे इस हाल को देख करके उन्हें क्या सोचेंगे, उन्हें क्या महसूस होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद फिर वो जब पहुँचते हैं द्वारका, तो वहाँ पे जा करके देखते हैं कि मैं तो एकदम झोपड़ी में रहता था, फीकी सी झोपड़ी थी मेरी, टूटे फूटे बर्तन, कपड़े मेरे चिथड़े से। और जब वो देखते हैं कि गगनचुंबी इमारत है, स्फटिक मणि की इमारत है, स्फटिक मणि लगे हुए हैं, जो स्फटिक मणि यहाँ पर भौतिक जीवन में नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम पे ही मिलता है, वो श्री कृष्ण चंद्र के जो इतने बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े सेनापति उनके लगे हैं, बाग फवारे उनके महल को देख कर हक्के बक्के से रह जाते हैं। अरे ये कैसा महल है, ये तो स्वर्ग में भी ऐसा नहीं उपलब्ध होगा जितना ये द्वारका में दिख रहा है। शर्म से व्याकुल है कि अब कैसे जाएं हम, फिर भी किसी प्रकार साहस करके वो द्वारपाल से बोलते हैं कि द्वारपाल कि मैं क्या कृष्णचंद्र का महल यही है। तो द्वारपाल बोलते हैं हाँ ये कृष्ण का ही महल है, कृष्णचंद्र हमारे स्वामी हैं। तो बोलते हैं ठीक है, अब तो वो सेनापति बोलता है कि आप कौन हैं, द्वारपाल पूछता है आप कौन है, तो वो बोलते हैं मैं सुदामा हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मैं उनके साथ में बाल्यकाल में पढ़ा हुआ हूँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में। जब वो इतना बताते हैं तो वो सोचते हैं मन में कि जो द्वारपाल रहते हैं सोचते हैं कि कृष्ण के ऐसे स्थिति में ऐसा उनका मित्र, वो सोच करके चिंता करता है और चिंता करते हुए चला जाता है और जा करके अपने अपने भगवान श्री कृष्ण को बोलता है। जब भगवान सरसैया पे लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी भोजन कर रही थी, उसी समय भगवान बैठे हुए रुक्मिणी जी से वार्तालाप कर रहे थे,
जब वहाँ पर द्वारपाल आता है और आकर के भगवान से बोलता है, हे प्रभु, उनको साष्टांग पहले प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में भगवान को बोलता है कि प्रभु, द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण जो फटे चीथड़े कपड़ों में, न सर पे उसकी पगड़ी है, न हाथों में कमंडलू है, और उसका वस्त्र भी फटा चीथड़ा है, उसकी धोती भी फटी हुई है, पैरों में धूल लगे हुए हैं, वो बोलता है अपने आप को आपका मित्र है, तो नाम क्या? भगवान बोलते हैं क्या नाम है उसका? तो बोलते हैं कि उसका नाम सुदामा है, वो अपने आप को सुदामा कहता है, आपका मित्र कहता है। तो भगवान सुनते हैं जब सुदामा आया है, भगवान उसी समय वो जो सरसैया पे लेटे हुए हैं, भगवान उसको छोड़ करके जल्दी से उठे और उठ करके इस कदर व्याकुल हो गए भगवान, व्याकुलता में उन्हें समझ में नहीं, सुदामा 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 का रट लगाते हुए भगवान, न पैरों में जूतियां हैं, न भगवान के सर पे पगड़ी है, पीताम्बर जो उड़े हुए पीताम्बर भी गिर जाता है, और गिर जा करके भगवान दौड़े चले जाते हैं, और सुदामा वहाँ पर संकोच से व्याकुल है कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा मित्र मुझे ऐसी हालत में देख करके क्या सोचेगा। जब सुदामा को कान में पड़ा सुनाई पड़ा कि सुदामा सुदामा कृष्ण बुला रहे हैं, जो त्रिभुवन के नाथ हैं, जो पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, वो सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए भक्ति में कितनी अपार शक्ति है, जब भक्ति करिए और जब भगवान आपके भक्ति में बंध जाते हैं, फिर वो लीला यहाँ पर देखा जा रहा है कि भगवान की भक्ति कितनी अटूट है। अब भगवान लीलामय, भगवान खुद ऐसे दरिद्र ब्राह्मण के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि मैं महल का राजा हूँ, उन्होंने इसका विचार नहीं किया, और वो दौड़े जा रहे हैं, और चिथड़े कपड़ों में नंगे शरीर बदन मैले कुचैले दुर्बल ब्राह्मण को द्वार पर देख करके पता नहीं वो कौन है कहाँ का है, बड़े आश्चर्य से चारों ओर देख रहे हैं सुदामा जी, और अपने प्रभु को मित्रता कहते हुए बोलते हैं और नाम सुदामा बताते हैं। ऐसा बोल करके जब द्वारपाल कृष्ण को बोलता है, कृष्ण एकदम व्याकुल होकर दौड़े चले जा रहे हैं, और जब मिलते हैं तो उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। हाँ मित्र, हे सुदामा, तुम कहाँ थे और इतने समय के बाद मुझे याद किया, क्यों नहीं आए फिर तुम उस समय तक, इतने समय तुम्हारी ये क्या स्थिति हो गई है सुदामा। ऐसा जब बोलते हैं तो अविरल आंसू की धाराओं से सुदामा भी रोते हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, और रोते रोते एक दूसरे का अभिषेक कर रहे हैं। सुदामा इतना अविरल आंसू धारा बहा रहे हैं, अश्रु धारा से भगवान कृष्ण का अभिषेक करे जा रहे हैं, और देवता लोग, स्वर्ग से देवता लोग उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, और अपने जग नगर के रानियां सेवक सब चकित होकर देख रहे हैं, और देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ये कैसा मिलन है, और ये है कौन, ये कृष्ण इतने किसके लिए व्याकुल हैं, और जब व्याकुल हैं तो कौन है ये, और किसके लिए भगवान इतना दौड़ रहे हैं, आखिर है कौन। और जब भगवान अपने साथ उन्हें लेवा लाते हैं, अपने महल में लाते हैं, तो अपने सिंहासन पर बिठाते हैं भगवान बिठा करके कृष्ण उनको बिठाते हैं, उनके चरणों को धोने के लिए एक थाल लाती हैं रुक्मणी जी, जो त्रिभुवन की रानी हैं, कमलापति हैं, कमला की पत्नी हैं, और भगवान श्री हरि की पत्नी जिनका नाम लक्ष्मी देवी हो, लक्ष्मी देवी भी उनके चरण सेवा में लग जाती हैं, और चरण सेवा में लगने के लिए एक थाल आता है, भगवान चरणों को अपने हाथों में ले लेते हैं और हाथ में ले करके सहलाते हैं और देखते हैं कि मेरे मित्र की क्या स्थिति है, पूरे पैर कांटों की बिवाइयों से भरे हुए, खून से लथपथ कांटे लगे हुए हैं, भगवान उसको देख करके भूल जाते हैं कि हाथ में कोई जल है, और उसको अपने नेत्रों की आँख आंसुओं से धोते जाते हैं, और अविरल आंसू बहता है, थाल भर जाता है आंसुओं से। फिर उनकी पत्नी भी आती हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं, रुक्मणी जितनी भी रानियां रहती हैं सत्यभामा, और भगवान के जितनी पटरानियां रहती हैं, सब के सब चावल डुलाती हैं सुदामा के लिए, सब चावल डुलाती कि मेरे स्वामी के जो मित्र हैं तो वो ज़रूर खास होगा, और सब के सब चावल डुलाती हैं सुदामा के लिए। और जब सुदामा जी का चरण धुला जाता है, वो भी रोते हैं, भगवान भी रोते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि इन चरणोदक को, जो भगवान ने चरण प्रक्षालन किया था सुदामा जी का, इन चरणोदक को पूरे महल में छिटा दिया जाए, क्योंकि मेरे मित्र का, ये भी एक भक्त का है, कि भक्त का चरणोदक नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे महल में छिड़कवा दिया जाए। फिर दिव्य गंधयुक्त चंदन धूप अगरू कुमकुम धूप दीप पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी का
भगवान ने पूजा किया और उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के उन्हें तृप्त किया और कराने के बाद आचमन करके पान खिलाया भगवान को। जब भोजन कर लिए भगवान, भोजन सुदामा जी करके बैठे हैं, तब भगवान ने भगवान की जितनी भी पटरानियाँ दे स्वयं अपने हाथों से उन पर पंखा झलने लगी सुदामा जी के ऊपर। सोचिए क्या भाग्य है सुदामा जी का, जिन्हें सब लोग पूरा दुनिया उन्हें दरिद्र बोलता है, पर क्या वो दरिद्र हैं? वो देखने से दरिद्र लग रहे हैं पर वो दरिद्र नहीं है। जिनके त्रिभुवन के नाथ, जिनके भगवान श्री कृष्ण स्वयं मित्र हों, भला वो दरिद्र कैसे हो सकता है? उनका सारा दुख हरने के लिए तो भगवान बैठे हुए हैं, भला उनके ऊपर क्या कमी आ सकती है? उनके केवल देखने के लिए, भौतिक संसार में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सुदामा गरीब हैं, पर वो गरीब नहीं हैं। जिनके स्वामी जो पूरी सृष्टि रचना किए हैं, वो चाहें तो एक पल में एक बटन दबा दें और सबके प्राणवायु चली जाएगी। वो चाहें तो जल प्रलय कर सकते हैं। क्या सुदामा को अमीर नहीं बना सकते थे, धनवान बना सकते थे? अभी वो आगे बनाएंगे भी, पर वो जब तक याचना नहीं की सुदामा जी, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे भक्त आकर के मुझसे मांगे। तो जब भगवान की पटरानियाँ, उनके पंखा जल रही थी, श्री कृष्ण जी उनके पास बैठ गए और उनका हाथ लेकर अपने हाथों में लेकर के बातें करने लगे और गुरुकुल की बातें बताने लगे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा कि देव देव आप तो जगत गुरु हैं। सुदामा जी बोलते हैं कि हे देव, हे जगत गुरु, आप तो जगत के गुरु हैं, भला आपको क्या चीज़ की कमी है और भला आपको ज्ञान की क्या ज़रूरत है जो आप सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए? आप तो लीलाधारी हैं, आप एक लीला करने के लिए ही वहाँ पर गए थे, आपको शिक्षा की क्या ज़रूरत है? अब वेद में ब्रह्म आपकी